देखिए, केंद्र में सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। बस थोड़ी ही देर बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक है। अब इस बैठक में पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी के और भी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, सहयोगी पार्टी इसमें शामिल हो रही है, सांसद शामिल हो रहे हैं। बैठक के बाद कहा जा रहा है कि मोदी नए सांसदों को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीधा शाम को सभी सहयोगी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ने शाम को एनडीए सांसदों से मिलने का समय दिया है। बस थोड़ा इंतजार और यहां एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली में बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि तमाम सांसद इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति से भी इनको मुलाकात करना है और सरकार पेश करने का दावा करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति की तरफ से शाम 5 बजे का वक्त एनडीए को दिया गया है। तो दिल्ली में थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी एनडीए की बैठक। संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात कर आज ही पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। तो राष्ट्रपति ने शाम 5 बजे का वक्त दिया है और 5 बजे तमाम प्रत्याशी, तमाम जो सांसद है वो पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन 5 बजे। बस थोड़ी ही देर में एनडीए की बैठक शुरू होने जा रही है। तमाम नेता यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और आपको बता दें कि संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे नरेंद्र मोदी। और हालांकि कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर आज ही पेश किया जाएगा सरकार बनाने का दावा। अब नई सरकार का गठन का सब निर्णय हो गया है, सबका औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। देश का बहुत धन्यवाद है, उन्होंने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को क्लियर मैंडेट दिया है एनडीए को और आज उन्हीं की मीटिंग होने जा रही है। हम लोग प्रधानमंत्री जी शायद उसी तरह जैसे 14 और 19 में बोले, आज पुनः संविधान को प्रणाम करते हुए और इस देश के गरीब, किसान, युवा, गरीब सबके लिए एक नया संकल्प लेंगे। तो कह रहे कि आपके घटक दल कह रहे कि समर्थन नहीं समर्पण है, तो आपको लगता है सरकार पूरे 5 साल चलेगी? देखिए, बहुत ये बहुत मजबूत फेविकोल वाला जोड़ है इस एनडीए का। जो लोग सत्ता लोलुप लोग खींचतान में लगे हैं उनको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि ये गठबंधन था, ये गठबंधन है और ये एनडीए गठबंधन रहेगा। जय श्री राम। सर, एक आखिरी प्रश्न, वो जेडीयू कह रहे हैं कि आग्रवीर को जो है रिव्यू करना चाहिए, आपकी क्या राय है इसको? नीतीश जी पर भरोसा है कि नहीं? नहीं नहीं, फुल अरे आज से भरोसा है, 2005 से भरोसा चला आ रहा है। बहुत लोग बीच में आए और किनारे लग गए। ये हमारा एक मिल करके निर्णय होता है और जो भी विषय आएंगे उस पर सभी मिल करके जो बेस्ट होगा वो निर्णय लेंगे। नीतीश जी कह रहे हैं आग्रवीर को रिव्यू करना चाहिए, ऐसा कुछ हमसे तो नहीं कहा। राष्ट्रपति ने आपको बता दें कि आज बैठक शुरू होने जा रही है एनडीए की। संसदीय दल के नेता चुन लिए गए नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से मुलाकात कर आज ही पेश किए जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो दिल्ली में थोड़ी देर में शुरू होगी एनडीए की बैठक। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और देखिए, संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति से मुलाकात कर आज ही पेश करेंगे और सरकार बनाने का दावा भी किया जाएगा। तो देखिए, तमाम लोग पहुंचना शुरू हो चुका है और पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट बस थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि बैठक शुरू होगी। तो इसी पर हमारी सहयोगी दिल्ली से भावना जुड़ी हुई है। भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए, कहा गया था सुबह से हम इस खबर पर बने हुए हैं और कहा जा रहा था कि बैठक शुरू होगी और फिर से हम उसी खबर का रुख करना चाहेंगे। कब तक बैठक शुरू होगी और कौन कौन नेता जो तमाम पहुंच रहे हैं, झारखंड की बात करें, झारखंड से कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या ताजा जानकारी भावना दर्शकों को बताएं आप? सबसे
सबसे पहले तो आप तस्वीर देखिए, प्रवीण थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए जल्दी से, और ये तस्वीर देखिए, ये है संसद भवन के बाहर की तस्वीर है, जहां पर सिक्योरिटी इस वक्त अलर्ट मोड पर खड़ी है, और यहीं से सभी नव निर्वाचित सांसद जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है, और उस बैठक में शामिल होने के लिए सभी सांसद यहीं से गुजर रहे हैं। अगर आप झारखंड की बात करेंगे कि झारखंड से यहाँ पर कौन कौन गया है, तो मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि झारखंड से झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है वो यहाँ पर अंदर गए हैं, क्योंकि वो सांसद भी है। और दूसरी बात ये है कि जानकारी मिली है कि बाबूलाल मरांडी भी सेंट्रल हॉल की बैठक में शामिल हो रहे हैं, और जो हो रही है, देखिए एक तस्वीर आप और देखिए कि यहाँ से लगातार गाड़ियाँ जो है वो गुजर रही है नए नए सांसदों की, और अंदर की तरफ जा रही है। और बहरहाल क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक है, सभी सांसदों को पहुंचना है, 11 बजे ये बैठक शुरू होनी थी, लेकिन क्योंकि अभी सभी सांसद पहुंच रहे, तो आप मान सकते हैं कि थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। झारखंड की क्योंकि आप बात पूछ रहे हैं, तो जमशेदपुर से नव निर्वाचित सांसद विद्युत वरण महतो की हमने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान और सांसद भी है क्योंकि, तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम अपने आप समर्थन प्रधानमंत्री को देने आए हैं। वैसे तो हम एनडीए की बैठक में अपना समर्थन दे ही चुके हैं, लेकिन आज एनडीए संसदीय दल का नेता जो है सभी के समर्थन के साथ प्रधानमंत्री को चुन लिया जाएगा, और शाम को लेटर लेकर जाया जाएगा समर्थन पत्र का, राष्ट्रपति महामहिम के पास उनको सौंपा जाएगा, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। क्योंकि यही अपडेट मैं लगातार अपने दर्शकों को सुबह से दे रही हूँ। अब दिल्ली की हलचल की बात करेंगे तो ये पूरा लुटियन जोन है। प्रवीण थोड़ा सा कैमरा घुमाते हुए दिखाते जाइए तस्वीरें, ये पूरा लुटियन जोन है, और लुटियन जोन में इस पूरे 9 किलोमीटर के लुटियन जोन में इस वक्त जो है सभी सांसदों की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त नजर आ रही है। कारण बिल्कुल साफ है, कल रात को सभी जो है देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके थे, क्योंकि एनडीए की जो कि अभी बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी, उस बैठक में शामिल होना है। तो ऐसे में सभी लुटियन जोन में आप अगर तस्वीरें देखेंगे, मैं खुद ये तस्वीरें देख पा रही हूँ ठीक मेरे पीछे, कि सभी लुटियन जोन में आपको सांसदों की गाड़ियां और जो है वो नजर आएगी, क्योंकि उनको बैठक में पहुंचना है। और ये समझिए कि एक तरीके से जितने भी एनडीए संसदीय दल के सांसद जो भी नव निर्वाचित चुने गए हैं, वो सब के सब जो है देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और ये हलचल है, राजनीतिक हलचल का संदेश है जो कि ये नजर आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन अब आप देखिए कि और कौन पहुंच रहे हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी जो कि आजसू के लीडर भी है और सांसद भी है, गिरिडीह से नवनिर्वाचित सांसद भी है, वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ढुल्लू महतो जो कि नव निर्वाचित सांसद चुने गए हैं धनबाद से, वो भी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए सिक्योरिटी भी लगातार चेकिंग की जा रही है, ताकि क्योंकि सांसदों की सुरक्षा में कोई चूक भी ना हो। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर अलर्ट है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनडीए की बैठक के बाद चयन के बाद नेता का चुनाव, और नेता के चुनाव के बाद शाम को 5 से 7 बजे के बीच में राष्ट्रपति महामहिम के पास जाना है। और इसी बीच राजनीतिक हलचल की क्योंकि मैं बातचीत कर रही हूँ, लगातार बता रही हूँ, तो आप ये समझिए कि बीजेपी के मुख्यालय में भी अहम बैठक होने वाली है, जिसमें इस बात की समीक्षा होगी कि इतनी सीटों पर जो हार हुई है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। और ये देखिए मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको एक बार, प्रवीण फटाफट कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पर जो भी केंद्रीय नेतृत्व के लीडर है वही देखिए, तस्वीरें देखिए प्रवीण थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए, और ये तस्वीरें भी आप देखिए, पूरा फ्लिट यहाँ से जा रहा है, ये पूरा फ्लिट यहाँ से जा रहा है। आप ये समझिए कि यही इसी जगह से प्रधानमंत्री का भी फ्लिट यहीं से गुजरेगा, क्योंकि बैठक में उन्हें शामिल होना है। प्रवीण थोड़ा सा नजदीक से आगे से कोशिश कीजिए दिखाने की तस्वीरों को, और ये अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप ये समझिए कि कोई बड़े केंद्रीय नेतृत्व के जो नेतृत्व है वो अभी गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए, यानी कि थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री भी यहीं से निकलेंगे। वो तस्वीर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सके। जी बिल्कुल भावना, तो आप नजर बनाए रखिए भावना, और आपका रुख करेंगे जैसे ही बैठक शुरू होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।